खुशबू महक रही है जो हर सू मकान में, खत उसको लिख रहा हूँ मैं उर्दू जबान में। आदाब, मैं हूँ वसीम राशिद और हमारे इस महफिल तहजीब प्रोग्राम में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। और आज हम अपनी इस तहजीबी महफिल में, इस शायरी की महफिल में जिन शख्सियात को लेकर आए हैं, यकीन जानिए उनसे उर्दू और हिंदी दोनों की ही फिज़ा महक रही है। तो आइए पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ हमारे आज के मेहमानों से। आज के हमारे मेहमान हैं फरहतुल्लाह खां फरहत साहब, नौजवान शायर हैं, बहुत अच्छा कहते हैं। और आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं जो मेहमान खुसूसी भी हैं, संजय जैन साहब जो दिल्ली गवर्नमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी हैं। और आज हमारी इस महफिल की जो सदारत फरमा रहे हैं वो हैं हकीम सुलेमान खां तूर साहब। और आज की हमारी एक बेहतरीन शायरा, बहुत खूबसूरत लबो लहजे की शायरा सबा अज़ीज़ साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप सबका तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं, गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग देने के लिए इस महफिल का इनेकाद करते हैं। तो आइए अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं वहाँ से, एक नौजवान शायर फरहतुल्लाह खां फरहत साहब। फरहत साहब, मैं चाहती हूँ कि अब आपने कलाम से हम सबको महसूस फरमाएं। मोहतरम सदर साहब, इजाज़त है जी? इरशाद। गजल का मतलब मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरे खिलाफ कोई चाल चल भी सकता है, मेरे खिलाफ कोई चाल चल भी सकता है, मेरे खिलाफ कोई चाल चल भी सकता है, छुपा है तुझ में जो बाहर निकल भी सकता है। क्या कहने, वाह, शुक्रिया। मेरे खिलाफ कोई चाल चल भी सकता है, छुपा है तुझ में जो बाहर निकल भी सकता है। शेर देखें सदर साहब के, वसीम साहिबा, शेर देखें कि अमीरे शहर गरीबों को ठोकरों में न रख। आहा, क्या कहने, अच्छा मिसरा कह दिया। अमीरे शहर गरीबों को ठोकरों में न रख, खुदा से डर के ये मंजर बदल भी सकता है। अच्छा शेर, वाह वाह फरहत, क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया। अमीरे शहर गरीबों को ठोकरों में न रख, खुदा से डर के ये मंजर बदल भी सकता है। जी, अभी है रात तो मुझ पर तू कोई तंज न कर। क्या कहने हैं, अभी है रात तो मुझ पर तू कोई तंज न कर, मेरे उरूज का सूरज निकल भी सकता है। क्या कहने, बाबा, बहुत शुक्रिया। क्या कहने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी है रात तो मुझ पर तू कोई तंज न कर, मेरे उरूज का सूरज निकल भी सकता है। ये भी शेर देखें कि ये मेरा इश्क है, ये मेरा इश्क है, बूढ़ा कभी नहीं होगा। ये मेरा इश्क है, ये मेरा इश्क है, बूढ़ा कभी नहीं होगा। तुम्हारे हुस्न का सूरज तो ढल भी सकता है। क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आलिम साहब। ये मेरा इश्क है, बूढ़ा कभी नहीं होगा, तुम्हारे हुस्न का सूरज तो ढल भी सकता है। वो शेर मुलाहिदा करें हकीम साहब के, तू सबके सामने इजहार इश्क मत करना, तू सबके सामने, सबके सामने इजहार इश्क मत करना, वगरना हमसे यहाँ कोई जल भी सकता है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। तू सबके सामने इजहार इश्क मत करना, क्या कहने, वगरना हमसे यहाँ कोई जल भी सकता है। और मकतबी मुलाहिदा करें, तू सबके सामने इजहार इश्क मत करना, वगरना हमसे यहाँ कोई जल भी सकता है, तू बेहिजाब कहीं सामने ना आ जाना। क्या कहने हैं, तू बेहिजाब कहीं सामने ना आ जाना, कि तुझको देख के फरहत मचल भी सकता है। बहुत बहुत क्या कहने, तो चंद शेर तरन्नुम में मुलाहिदा करें। क्या कहने, वाह वाह वाह। इश्क में अपना बड़ा नाम ये कर जाएगा, वाह। इश्क में अपना बड़ा नाम ये कर जाएगा, इश्क में अपना बड़ा नाम ये कर जाएगा, तेरा
दीवाना तेरे हिजर में मर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तेरा दीवाना तेरे हिजर में मर जाएगा। क्या कहने बाबा। फिर देखेंगे तू सुखनवर है तो मगरूर ना होना वरना। बहुत अच्छा मिस्र है। वाह। तू सुखनवर है तो मगरूर ना होना जितना शीराज़ है लफ्ज़ों का बिखर जाए। क्या अरे बाबा क्या अच्छा कह दिया। वाह 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 बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। वाह वाह बहुत अच्छे। वाह। जितना शीराज़ है लफ्ज़ों का बिखर जाएगा। और ये शेर देखें हकीम साहब, बतौर खास शेर देखें। किस जब मोड़ पे लाया है मुकद्दर मुझको। क्या कहने। वाह। किस जब मोड़ पे लाया है मुकद्दर मुझको। किस जब मोड़ पे लाया है मुकद्दर मुझको। गिर गई सर से जो दस तार तो सर जा। क्या कहने। वाह बहुत अच्छे फरहत। क्या कहने। वाह वाह बहुत शुक्रिया। क्या अच्छा। गिर गई सर से जो दस तार तो सर जाएगा। और ये शेर भी समाप्त करें हजरात। बांध कर अहद वफा झूठ चला जा मुझसे। क्या कहने हैं। बांध कर अहद वफा झूठ चला जा मुझसे। दिल मेरा बस तेरे वादे से ही भर जाए। अरे वाह 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 बहुत अच्छे फरज। वाह 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 क्या कहने हैं। क्या अच्छा। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। दिल मेरा बस तेरे वादे से ही भर जाएगा। और ये शेर जैन साहब मुलाहिजा करें। हाजिर का शेर है के तेरे लहजे की अदा से ये पता चलता है। क्या कहने हैं। वाह। तेरे लहजे की अदा से ये पता चलता है। तेरे लहजे की अदा से ये पता चलता है। तू किसी रोज बुलंदी से उतर जाएगा। शुक्रिया। वाह वाह वाह। तू किसी रोज बुलंदी से उतर जाएगा। और शेर भी देखें। तू किसी रोज बुलंदी से उतर जाएगा। अपना फन बाट दे फनकार नई नस्लों में। वाह 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 बहुत शुक्रिया। अपना फन बाट दे फनकार नई नस्लों में। हाथ से तेरे वगर ना ये हुनर जाएगा। क्या कहने। वाह वाह वाह। हाथ से तेरे वगर ना ये हुनर जाएगा। और ये शेर भी देखें साहब। हाथ से तेरे वगर ना ये हुनर जाएगा। दिल ये कहता है कि वादे पे भरोसा कर लूं।
दिल ये कहता है कि वादे पे भरोसा दिल ये कहता है कि वादे पे भरोसा कर लूं, जानता हूं कि तू वादे से मुकर जाएगा। बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छे, वाह वाह। जानता हूं के तू वादे से मुकर जाए, से मुकर जाएगा। जानता हूँ के तू वादे से मुकर जाएगा, इसलिए याद नहीं करता हूँ माजी फरहत। वाह क्या कह रहे हैं, इसलिए याद नहीं करता हूँ माजी फरहत, फिर कोई जख्म पुराना सा उभर जाएगा। क्या कहने, वाह बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कोई जख्म पुराना सा उभर जाएगा, दिल मेरा बस तेरे वादे से ही भर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत गज़ल सुनाई है आपने। और बुलंदी की जब आपने बात की तो मुझे याद आया बड़ा अच्छा एक शेर के, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। तो जो लोग बुलंदी पे ठहर जाते हैं यकीनन कमाल वही करते हैं। और बहुत खूबसूरत नज़्म, बहुत खूबसूरत गज़ल सुनाई फरहतुल्लाह खान फरहत साहब ने। और आइए अब चलते हैं एक ऐसे शायर की जानिब। मैंने आपसे कहा था कि आज की हमारी इस महफिल में हिंदी और उर्दू दोनों का संगम है, और जब उस संगम में संजय जैन साहब साथ हों, जो दिल्ली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं और साथ साथ शायरी भी कर रहे हैं, ये मैं शेर उनकी नज़र करते हुए उन्हें आवाज़ देती हूँ, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है हुकूमत के साथ साथ शायरी करना, कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। क्या कहने, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो आइए चलते हैं संजय जैन साहब की जानिब, और संजय जी आपके कांटों भरे बिस्तर से आइए इस फरहत की महफिल की जानिब चलते हैं। इंसानों की बस्ती में अब इंसान नहीं है, इंसानों की बस्ती में अब इंसान नहीं है, मंदिर में मूरत तो है भगवान नहीं है। क्या कहने, वाह वाह वाह। कोई नहीं मिलेगा इंसान यहाँ संजय, इंसान होकर भी इंसान बनना आसान नहीं है। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। इंसान बनना आसान नहीं है। बहुत खूबसूरत निजामत कर रही वासिम जी, डॉक्टर साहब जी, बहुत अच्छा बहुत हमारे बीच सदारत कर रहे। मैं दो मिसरे आपकी नज़र रखता हूँ, उम्मीद है पसंद आएंगे। कि इंसानों के बीच रहकर इंसानियत खुद शर्मसार है। क्या कहने, इंसानों के बीच रहकर इंसानियत खुद शर्मसार है, क्योंकि पहले रहते थे दीवारों में रिश्ते। क्या कहने, आज रिश्तों में दीवार है। क्या कहने, रिश्तों में दीवार है। चार मिसरे और आपकी नज़र करता हूँ। कि सजाए मौत दे देते कभी हम गम नहीं करते। क्या कहने, सजाए मौत दे देते कभी हम गम नहीं करते, खुशी से जान दे देते ये आंखें नम नहीं करते। क्या कहने, अरे वाह। तुमने बहाए हैं जब अपनी आंख से आंसू, मगर तुमने बहाए हैं जब अपनी आंख से आंसू, बताओ किस तरह बारिश नयन से हम नहीं करते। नहीं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। नयन से हम नहीं करते, क्या इस्तेमाल है साहब, नयन बहुत शानदार। पहली नज़र का पहला प्यार सभी ने किया होगा। जिंदगी की छह लाइनें, छह मिसरे, मुझे लगता है कि इससे अच्छा मैं अभी तक कुछ नहीं लिख पाया। आपकी नज़र करता हूँ। नहीं, आपका पहली नज़र का पहला प्यार कौन सी उम्र में हुआ वो भी बताते चलिए जी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपको साथ साथ बता रहा हूँ, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये पहली उम्र का पहला प्यार सभी ने किया होगा जी। इरशाद, कि पहली नज़र का पहला प्यार होता है वो सदाबहार। क्या कहने, पहली नज़र का पहला प्यार
होता है वो सदाबहार, उसने जब पहली बार मुझको देखा था अपनी नम आंखों से वो कुछ नहीं बोली थी। क्या कहने, वाह वाह वाह। उसने जब पहली बार मुझको देखा था अपनी नम आंखों से वो कुछ नहीं बोली थी, और मैंने उसे पहली बार तब देखा था जब अपनी आंखें खोली थी। क्या कहने, पहली बार बहुत तब देखा था बहुत जब अपनी आंखें खोली थी। बहुत खूब, वाह वाह। और मिश्री से भी मीठी उसकी जुबान लगती है। क्या कहने हैं, वाह। सच पहली नजर का पहला प्यार मुझे माँ लगती है। चार मिसरे आपकी नजर करता हूँ। कभी मैं नाव कागज की न बारिश में चला पाया। बहुत अच्छा मिसरा। कभी मैं नाव कागज की न बारिश में चला पाया। क्या कहने हैं, वाह। कभी भी रहनुमा कोई न अब तक मैं बना पाया। वाह वाह वाह। लगी थी दौड़ दुनिया में बहुत पैसा कमाने की, मुझे था शौक रिश्तों का फकत रिश्ते कमा पाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यही बहुत बड़ी कमाई की आपने। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, बहुत खूब। एक गजल का मतला और चंद शेर आपके बीच में रखता हूँ। जी इरशाद। एक बिल्कुल ताज़ा गजल है, मुझे पता नहीं याद भी रहेगी या नहीं। तो हमारे खत जला कर भी न तुमको चैन आएगा, हमारे खत जला कर भी न तुमको चैन आएगा, भले ही देख लेना तुम न मंजर कोई भाएगा। क्या कहने हैं, वाह वाह। और इसका एक शेर है, शेर देखें। हमारी याद भी तुमको हमेशा ही सताएगी, हमारी याद भी तुमको हमेशा ही सताएगी। क्या कहने, वाह वाह। गजल जब भी कभी कोई कहीं तुमको सुनाए। और शेर देखें जी इरशाद। तुम्हारी जुल्फ को तुमसे शिकायत तो सनम होगी। क्या कहने हैं, तुम्हारी जुल्फ को तुमसे शिकायत तो सनम होगी, किसी की जुल्फ में गजरा कोई जब भी लगाएगा। मेरे आंसू तुम्हें भी तो सनम हंसने नहीं देंगे। क्या कहने हैं, मेरे आंसू तुम्हें भी तो कभी हंसने नहीं देंगे, गिला होगा तुम्हें खुद से कोई जब मुस्कुराएगा। क्या कहने हैं, वाह वाह। और एक बहुत नाजुक सा शेर है, आप देखें। कभी सज धज के आई ना अगर तुम देख लोगी तो, जरा सी देर में काजल तुम्हारा फैल जाएगा। वाह वाह। क्या कहने, वाह वाह वाह। तुम्हारी आंख से आंसू निकल आए न तो कहना, किसी एक खास शब में जब कोई घूंघट उठाएगा। और इसका मकतर्ज है, कभी टूटा हुआ कोई खिलौना जब भी देखोगी, कभी टूटा हुआ कोई खिलौना जब भी देखोगी, यकीनन उस समय तुमको
ये संजय याद आएगा, भले ही देख लेना तुम न मंजर कोई भाएगा। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। और संजय जैन साहब, आप शायरी सुना रहे थे, पहली मोहब्बत की बात कर रहे थे, और मुझे शेर याद आ रहा था, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। और आइए अब अपनी इस महफिल में उस शायरा की जानिब चलते हैं जिन्होंने बहुत कम वक्त में अपनी बड़ी अच्छी पहचान बनाई है, बहुत ही खूबसूरत नर्म लबो लहजे की शायरा, जनाबा सबा अजीज साहिबा। परवीन शाकिर ने कहा था कि कूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरी हर जाए, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाए की। लेकिन आज की शायरा ये भी कहती है, मैं अगर डूबी उसे साथ लेके डूबूंगी, मैं अगर डूबी उसे साथ लेके डूबूंगी, मोहब्बतों में भी सफाक होना पड़ता है। आइए देखते हैं हमारी आज की शायरा सबा अजीज साहिबा क्या कहती हैं। सबा साहिबा, शुक्रिया। गजल का मतलब पेश करती हूँ सर, आपकी इजाजत चाहती हूँ। यूं घर से निकलते हैं कभी घर नहीं आते, यूं घर से निकलते हैं कभी घर नहीं आते, आंसू मेरी आंखों में पलट कर नहीं आते। क्या कहते हैं, आंसू मेरी आंखों में पलट कर नहीं आते, जिन लोगों से इस दिल को बहुत जख्म मिले। क्या कहने हैं, जिन लोगों से इस दिल को बहुत जख्म मिले हैं, नाम उनके कभी मेरे लबों पर नहीं आते। क्या कहने हैं, नाम उनके कभी मेरे लबों पर नहीं आते, दरिया नहीं आते कभी एक बूंद से मिलने, दरिया नहीं आते कभी एक बूंद से मिलने, दरियाओं से मिलने को समंदर नहीं आते, दरियाओं से, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलने को समंदर नहीं आते, दो चार घड़ी उड़ने का मिल जाता है मौका। क्या कहने, दो चार घड़ी उड़ने का मिल जाता है मौका, चींटी के बिला वजह कभी पर नहीं आते, चींटी के बिला वजह कभी पर नहीं आते। क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया। जो साधु बने फिरते हैं वो पूछ रहे हैं, जो साधु बने फिरते हैं वो पूछ रहे हैं, हम किस लिए सीमाओं से बाहर नहीं आते। और मख्ता हाजिर करती हूँ कि नज़दीक से क्या देख सकेंगे वो सबा को। क्या कहने, नज़दीक से क्या देख सकेंगे वो सबा को, ऊंचाई से जो खुद ही उतर कर नहीं आते, ऊंचाई से जो खुद ही उतर कर नहीं आते। बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल हाजिर करती हूँ। आप तरन्नुम से भी पढ़ सकती हैं। मैं कोशिश करूंगी लेकिन मैं तहस से अभी देते तो हो जवाब मगर बेरुखी के साथ, देते तो हो जवाब मगर बेरुखी के साथ क्यों खेल कर रहे हो मेरी जिंदगी के साथ, क्यों खेल कर रहे हो मेरी जिंदगी के साथ, आहट पे तेरी दौड़ के दरवाजा खोलना। क्या कहने, आहट पे तेरी दौड़ कर दरवाजा खोलना, कटती है मेरी रात इसी दिल लगी के साथ। क्या कहने, कटती है मेरी रात इसी दिल लगी के साथ, खामोशियों का तेरी है ये भी तो इंतकाम। क्या कहने, खामोशियों का तेरी है ये भी तो इंतकाम, घंटों में बात करती हूँ एक अजनबी के साथ, घंटों में बात करती हूँ एक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। घंटों में बात करती हूँ एक अजनबी के साथ, उसके ही इंतजार में सदियां गुजार दी, उसके ही इंतजार में सदियां गुजार दी, बरसों से घर में रहती हूँ जिस आदमी के साथ। क्या कह, बरसों से घर में रहती हूँ। अच्छा कह दिया, वाह वाह, क्या कह दिया सबा, जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह। उसके ही इंतजार में, वो निस्वानी लहजा है जो हर किसी को नसीब नहीं होता, बरसों से घर में रहती हूँ जिस आदमी के साथ, अगर हो सके तो दिल से रिहा कर दो तुम मुझे,
گر ہو سکے تو دل سے رہا کر دو تم مجھے, خوابوں سے بھی نکال دو مجھ کو خوشی کے ساتھ. کیا کہہ رہے ہیں, خوابوں سے بھی نکال دو مجھ کو خوشی کے ساتھ. اور مختہ حاضر کرتی ہوں کہ کل تک جو میرے لمحوں کا مالک تھا اے صبا, کل تک جو میرے لمحوں کا مالک تھا اے صبا, مشکل ہے وقت کاٹنا اب تو اسی کے ساتھ مشکل ہے وقت کاٹنا اب تو اسی کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. ایک بہت ہی الگ مزاج کی غزل ہے یہ آپ کی, میں پہلی بار سن رہی ہوں. بہت خوب, واہ واہ واہ, مرسا غزل. جی جی جی, ایک غزل کا مطلب چندہ شاید ہوتا ہے. جی جی بالکل بالکل, آپ ترنم سے کہہ رہی ہیں, میں کوشش کرتی ہوں. بالکل. نظر نظر سفر سفر, کئی چراغ جل گئے. کیا کہنے. نظر نظر سفر سفر, کئی چراغ جل گئے. وہ کیا ملے کہ جسم جان روشنی میں ڈھل گئے. وہ کیا ملے کہ جسم جان روشنی میں ڈھل گئے. خبر نہیں کہاں تھے ہم, پتہ نہیں کہاں ہیں ہم. کیا کہنے ہیں بابا. خبر نہیں کہاں تھے ہم, پتہ نہیں کہاں ہیں ہم. تیری تلاش میں چلے تو دور تک نکل گئے. کیا کہتے ہیں, تلاش میں چلے تو دور تک نکل گئے. کیا کہنے ہیں بابا بابا بابا. جانے کیسی چاندنی مجھ میں جو اتر گئی. واہ واہ بابا. نہ جانے کیسی چاندنی تھی مجھ میں جو اتر گئی, نہ جانے کیسے خواب تھے جو شام سے مچل گئے. نہ جانے کیسے خواب تھے جو شام سے مچل گئے. بہت اچھے, واہ 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 سبا, واہ واہ. کیا کہنے. محبتوں کی وادیوں میں ایک گھر بنا لیا, تمہارا پیار کیا ملا کہ ہم سب سنبھل گئے. کیا کہنے ہیں, کیا تمہارا پیار کیا ملا کہ ہم سبا سنبھل گئے. کیا بہت خوب, واہ 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 سبا صاحبہ. دیکھیں کتنی خوبصورت شاعری کرتی ہیں, اور آج کی عورت جب شاعری کرتی ہے تو یقیناً وہ سماج کی عکاسی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر اور اپنے دل کی بھی عکاسی کرتی ہے. میرے ہی چار مصرے ہیں کہ روز آفس بھی آتی جاتی ہوں, روز آفس بھی آتی جاتی ہوں, کس سلیقے سے گھر چلاتی ہوں. روز آفس بھی آتی جاتی ہوں, کس سلیقے سے گھر چلاتی ہوں. کام اتنا ہے زمانے میں وسیم, ٹوٹ جاتی ہوں مسکراتی ہوں, ٹوٹ جاتی ہوں مسکراتی ہوں. اور آئیے اب اپنی اس محفل میں اس غزل کے مقطع کی جانب چلتے ہیں جو ہماری آج کی اس محفل کی صدارت بھی فرما رہے ہیں, جو یقیناً اتنا بڑا اور مشہور نام ہے کہ آپ ان کو جب بحثیت شاعر سنیں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ جب شاعر نے یہ کہا تھا, ابن مریم ہوا کرے کوئی, میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. اس دکھ کی دوا کرنے کے لیے اگر حکیم سلیمان خاں تور صاحب ہماری اس محفل میں موجود ہیں تو یہ ہماری خوشبختی ہے. میں صدر محترم سے بہت ہی ادب سے درخواست کر رہی ہوں, سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا, سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا, میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. حکیم سلیمان خاں تور صاحب. چار پانچ شعر تحت میں پیش کرتا ہوں. جی ارشاد. یہ شعر میں نے شاید 3 گھنٹے پہلے کہے, جب مجھے یہ احساس ہوا کہ آج آپ کی محفل تہذیب میں جانا ہے. جی جی. ہو سکتا ہے کچھ غلط بھی ہو جائے, میں نے لکھ کر پھر آپ کو فوراً ہی سنا رہا ہوں. سر یہ تو لا علاج مرض ہوگا, یہ بتا رہی ہوں میں آپ کو, حکومت میں لا علاج مرض نہیں ہونا چاہیے.
जब जब मेरी पलकें भीगें, जब जब मेरी पलकें भीगें, तुझको गम क्यों होता है? क्या कहने? जब जब मेरी पलकें भीगें, तुझको गम क्यों होता है? आंसू निकले, आंसू मेरे निकले दामन, तेरा नम क्यों होता है? जब जब मेरी पलकें भीगें, तुझको गम क्यों होता है? क्या कहने? आंसू मेरे निकले दामन, तेरा नम क्यों होता है? आंसू मेरे निकले दामन, तेरा नम क्यों होता है? तू मैखाने का नाजिम है और मैं साकी रिंदे हकीर। तू मैखाने का नाजिम है और मैं साकी रिंदे हकीर। रिंदे हकीर का जवाब है, क्या कहने, वाह वाह, बहुत अच्छा मिसरा। तू मैखाने का साकी है और तू मैखाने का नाजिम है और मैं साकी रिंदे हकीर। मैं ये किससे पूछूं, मुझ पे तेरा करम क्यों होता है? तू मैखाने का नाजिम है और मैं साकी रिंदे हकीर। मैं ये किससे पूछूं जाकर, मैं ये किससे पूछूं तेरा मुझ पे करम क्यों होता है? और तुझसे मिलकर क्यों लगता है फिर मेरी तख्लीक हुई? कुछ तुझसे मिलकर क्यों लगता है फिर मेरी तख्लीक हुई? तुझसे बिछड़कर जिंदा नहीं हूँ, ऐसा भरम क्यों होता है? वाह वाह वाह। तुझसे मिलकर क्यों लगता है फिर मेरी तख्लीक हुई? तुझसे बिछड़कर जिंदा नहीं हूँ, ऐसा भरम क्यों होता है? और अब मैं समझा रिंदों में है वहदत साकी सबसे अजीम। अब मैं समझा रिंदों में है वहदत साकी सबसे अजीम। मुझ जैसा ही पीने वाला मोहतरम क्यों होता है? मुझ जैसा ही पीने वाला मोहतरम क्यों होता है? और एक गजल जी, शान जी, बिल्कुल। कहाँ से जिक्र करें और कहाँ तमाम करें? क्या कहने, वाह। कहाँ से जिक्र करें और कहाँ तमाम करें? तुम्हारी बात को हम किस तरह से आम करें? कहाँ से जिक्र करें और कहाँ तमाम करें? तुम्हारी बात को हम किस तरह से आम करें? कहाँ से जिक्र करें? शेर देखें। कहकशां पे मेरा इख्तियार आज की रात, कहकशां पे मेरा इख्तियार आज की रात, कहो तो चांद सितारे तुम्हें सलाम करें। कहो तो चांद सितारे तुम्हें सलाम करें। तुम्हारी बात को हम किस तरह से आम करें? क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या कहने,
कहाँ से जिक्र करे शराब कम थी शराब कम थी हमने तो यू ही पी भी नहीं शराब कम थी हमने तो यू भी पी नहीं जरा सी पी ले जरा सी पी ले तो बादा कशो में नाम जरा सी पी ले तो बादा कशो में नाम करे तुम्हारी बात को हम किस तरह से आम करे कहाँ से जिक्र करे और कहाँ तमाम करे। और शेर याद नहीं आ रहे, माफ करना। नहीं नहीं बिल्कुल बहुत बहुत खूब, वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत गजल आपने पेश की, बहुत बहुत खूब, वाह 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 वाह। बड़ी खूबसूरत महफिल चल रही है और यकीनन आपको इस महफिल में सभी को सुनना अच्छा लग रहा होगा। तो एक अदना सी शायरा मैं भी आपके दरमियान में मौजूद हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे भी सुन लें और मेरे साथ जुड़ जाएं। एक मतलब और दो तीन शेर मैं आप लोगों से सुनाना चाहती हूँ। आज मैं चाहती हूँ कि एक सहाफ़ी शायरा की गज़ल मैं आपको सुनाऊँ, मतलब समाप्त कीजिएगा। गुलशन का हर खार बदल के रख देंगे, गुलशन का हर खार बदल के रख देंगे, हम दुख का बाजार बदल के रख देंगे। क्या बात, क्या कहें। गुलशन का हर खार बदल के रख देंगे, हम दुख का बाजार बदल के रख देंगे। और ये शेर देखिए, बहुत ही मैंने जहाँ कहा वो पहुँच जाए तो बहुत अच्छा है। हम फिरकों के खोल से बाहर आए तो, हम फिरकों के खोल से बाहर आए तो दुनिया की रफ्तार बदल के, हम फिरकों के खोल से बाहर आए तो दुनिया की रफ्तार बदल के रख देंगे। और मजलूमों ने जिस दिन भी अंगड़ाई ली, मजलूमों ने जिस दिन भी अंगड़ाई ली, जालिम का दरबार बदल के रख देंगे। मजलूमों ने जिस दिन भी अंगड़ाई ली, जालिम का दरबार बदल के रख देंगे। ये और ये देखिए एक सहाफ़ी शायरा जो अपने इदारियों में लिखते हैं, वो कोशिश करते हैं कि शायरी के कालिब में ढाल दें। काम सहाफ़ी सच्चाई से जो लें तो, काम सहाफ़ी सच्चाई से जो लें तो, हर चैनल अखबार बदल के रख देंगे। काम सहाफ़ी सच्चाई से जो लें तो, हर चैनल अखबार बदल के रख देंगे। गुलशन का हर खार बदल के रख देंगे, हम दुख का बाजार बदल के रख देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मतलब और दो तीन शेर का और मुझे हुक्म मिला है तो मैं एक मतलब और दो तीन शेर और हाजिर करती हूँ। देखिए अलग अलग मिजाज की गज़लें, अलग अलग वक्त होता है। एक मतलब और दो तीन शेर देखिए। शिकस्ते फाश ही तकदीर हो नहीं सकती, शिकस्ते फाश ही तकदीर हो नहीं सकती, उदासियों की मैं तस्वीर हो नहीं सकती। शिकस्ते, एक औरत के दिल की आवाज़ के, शिकस्ते फाश ही तकदीर हो नहीं सकती, उदासियों की मैं तस्वीर हो नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि शमशीर हो नहीं सकती, मतलब सानी, मैं जानती हूँ कि शमशीर हो नहीं सकती, ज़बाने यार कभी तीर हो नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि शमशीर हो नहीं सकती, ज़बाने यार कभी तीर हो नहीं सकती। बहुत से ख्वाब फकत देखने के होते हैं, हर एक ख्वाब की ताबीर हो नहीं सकती। बहुत से ख्वाब फकत देखने के होते हैं, हर एक ख्वाब की ताबीर हो नहीं सकती। मेरी अना की ये दुनिया
बहुत ही छोटी है, मेरी अना की ये दुनिया बहुत ही छोटी है, मगर किसी से ये तस्खीर हो नहीं सकती। मेरी अना की ये दुनिया बहुत ही छोटी है, मगर किसी से ये तस्खीर हो नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हजरात का। और आइए हम इस महफिल में एक बार फिर से फरतुल्लाह खां फरत साहब को दावत देते हैं कि वो अपने कलाम से हम सबको महजूज़ फरमाए। लेकिन एक एक मतला और दो दो शेर। बदन तो जख्मी था, बदन तो जख्मी था, किरदार पर खराश न थी। क्या कहने, बहुत अच्छे, क्या शेर। बदन तो जख्मी था, बदन तो जख्मी था, किरदार पर खराश न थी, शिकस्त मुझको हुई थी, शिकस्त फाश न थी। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। बदन तो जख्मी था, किरदार पर खराश न थी, शिकस्त मुझको हुई थी, शिकस्त फाश न थी। अब ये शेर देखें अगीम साहब के। तुम्हारे बाद जो ढूंढा तो खुद को ढूंढा है। क्या कहने हैं, तुम्हारे बाद जो ढूंढा तो खुद को ढूंढा है, कि इस तलाश से बढ़कर कोई तलाश न थी। क्या कहने, वाह वाह वाह। तुम्हारे बाद जो ढूंढा तो खुद को ढूंढा है, कि इस तलाश से बढ़कर कोई तलाश न थी। तुम्हारे हिजर के कांटे हैं दिल में पैवस्ता। क्या कहने, तुम्हारे हिजर के कांटे हैं दिल में पैवस्ता, जो तुम नहीं थे तो दिल पर कोई खराश न थी। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत खूब। और सबा साहिबा, मैं चाहूँगी कि अब आप अपने कलाम से हमको नवाजें। तुम्हारे प्यार की रह से गुजरना भी ज़रूरी था। क्या कहना, तुम्हारे प्यार की रह से गुजरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत का नशा सर से उतरना भी जरूरी था। बहुत तेजी से बदला है तुम्हारे हिजर का मौसम। क्या कहने हैं, बहुत तेजी से बदला है तुम्हारे हिजर का मौसम, तो फिर यादों के फूलों का बिखरना भी जरूरी था। बहुत खूब। संजय जैन साहब, उसे मुझसे शिकायत है मगर रूठा नहीं अब तक। क्या कहने हैं, उसे मुझसे शिकायत है मगर रूठा नहीं अब तक। अच्छा महबूब है आपका। है तो नाजुक सा ये रिश्ता मगर टूटा नहीं। बहुत अच्छे, वाह वाह। शेर देखें कि न जाने कौन सी ख्वाहिश अधूरी है अभी उसकी, न जाने कौन सी ख्वाहिश अधूरी है अभी उसकी, जो दामन जिंदगी का चाह कर छूटा नहीं अब तक। उसे मुझसे शिकायत है मगर रूठा नहीं अब तक, और किया था वादा मिलने का मेरी मैयत पे आएगा। किया था वादा मिलने का मेरी मैयत पे आएगा, मुझे एतबार है उस पर, हुआ झूठा नहीं अब तक। बहुत खूब हकीम साहब। जब भी गर्दिश में जाम हो मेरा, जब भी गर्दिश में जाम हो मेरा, और पुख्ता कलाम हो मेरा। जब भी गर्दिश में जाम हो मेरा। शेर देखें। मैं तो संजीदगी से
पीता हूँ। मैं तो संजीदगी से पीता हूँ, संजीदगी से पीता हूँ, मैं तो संजीदगी से पीता हूँ, चाहे वो सीधा जाम हो मेरा, चाहे वो सीधा जाम हो मेरा, जब भी गर्दिश में जाम हो मेरा। शेर पेशे के जी शान, तू मुझे मोहतरम अगर समझे, तू मुझे मोहतरम अगर समझे, हर तरफ एहतराम हो मेरा। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, हर तरफ एहतराम हो मेरा, और पुख्ता कलाम हो मेरा, जब भी गर्दिश में। शेर देखेंगे, नाम मेरा जुड़ा रहे तुझसे, क्या कहने, नाम मेरा जुड़ा रहे तुझसे, तुझसे वाबस्ता नाम हो मेरा, तुझसे वाबस्ता नाम हो मेरा। अब मक्ते का शेर पेश कर रहा हूँ, तूर दुनिया हकीर भी समझे, तूर दुनिया हकीर भी समझे, क्या कहने बाबा, उसके दिल में मुकाम हो मेरा, उसके दिल में मकाम हो मेरा। शुक्रिया, वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत अशआर सुनाए हकीम साहब ने। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। बहुत खूबसूरत ये महफिल हमारी, और हमने पूरी कोशिश की कि अपनी इस महफिल में आपको आपकी पसंद की तमाम शायरी सुनाई जाए। और इससे पहले कि हम अपनी इस महफिल का इख्तिताम करें, मैं चाहती हूँ कि हमारे तहजीब चैनल के जो चैनल हेड हैं मारूफ रज़ा ख़ान साहब, वो तशरीफ़ लाएं, और यहाँ जो हमारे तमाम मेहमान शोरा मौजूद हैं उनको शील्ड से नवाजें। हम यह हमारी तहजीब है, हमारी रवायत है कि यहाँ पर जो भी तशरीफ़ लाता है हम उसको तहजीब टीवी की जानिब से एक सनद ज़रूर अता करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हजरात का।